इथेनॉल और ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, हम कर रहे हैं कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो डीनेचर्ड इथेनॉल, ये डीनेचर्ड इथेनॉल जो है वो क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जो इसका फ्लेम देखा, जिसको देख के बच्चे ने बोला वाओ ये अच्छा तो लगा, ये आप लोग फर्स्ट टाइम देखते हो, लेकिन ये हाईली फ्लेमेबल है, इसके वेपर भी फ्लेमेबल है, तो इससे बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो है, ये बहुत जगह काम आता है, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है। ये आपने यूज किया है कोविड में, लेकिन ये वही है जिसको लोग स्वाहा, तो उससे बचने के लिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसमें ऐड करते हैं मिथेनॉल, बेंजीन और पायरीडीन। पायरीडीन जो है वो इसमें ऐड करने के बाद अनप्लीजेंट फिश लाइक स्मेल आता है, तो लोग उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। मिथेनॉल एक बहुत ही पॉइजनस चीज है, तो उसको लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, इसलिए उसको ऐड किया जाता है। अब सब्सटेंस सी बन सकता है इससे, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव काम आता है। तो सब्सटेंस सी कैसे बना और वो कैसा है? उसमें दो कार्बन के एटम्स आते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं जब आप ए का इथेनॉल का पोटेशियम परमैंगनेट करते हो रिएक्शन। कभी भी इथेनॉल का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, उसको और कराओगे तो बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। तो सी आपका इथेनोइक एसिड है बच्चों, सी हो गया आपका इथेनोइक एसिड। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। F is formed on heating A in the presence of concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid एक fantastic dehydrating agent है। जब इसको 443 Kelvin पे sulfuric acid डाल के react करवाते हो तो ये convert हो जाता है ethene में और पानी बाहर निकल जाता है। तो question का जवाब क्या आया कि IUPAC name दीजिए, इसका IUPAC name है ethanol, F उसका नाम है ethene। Illustrative example, chemical that change takes place here, A2C. A2C oxidation करवा रहे हो potassium permanganate के presence में, आपकी NCERT book में top पे दिया हुआ है page पे। उसके बाद A2F book में आपके दिया हुआ है, अगर आप इस ethanol को react कराओगे sulfuric acid के साथ at 443 Kelvin, D इसमें से निकल जाएगा पानी, ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। F reacts hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst, F reacts। हाँ, इथीन में जब भी आप कराओगे रिएक्शन हाइड्रोजन का निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में तो वो बनाएगा आपका इथेन। नेम द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर इन स्टेप्स 2 एंड 5। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म इन दिस स्टेप इफ ए इज रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट टू होमोलोग। नेक्स्ट टू होमोलोग क्या है भैया आपके? इथेनॉल हटा तो आएगा प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ये आपका आंसर हुआ निकालने का।